अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो जी आज का वला करते हैं जी शुरू। तो यह क्लिप जो है, मैं जो है ना रात के टाइम जब डिनर बना रही थी, तकरीबन 4 बजे का टाइम था, रात तो नहीं थी, 4 बजे का टाइम था। तो मेरा दिल किया कि आज जी मैं पुलाव खाऊँ, वो भी आलू वाला। तो मैंने कहा चलो जी आज आलू वाला पुलाव बनाते हैं और इन्जॉय करते हैं, क्योंकि मौसम बड़ा ही है जो है ना आजकल हमारे गांव में अच्छा जा रहा है। तकरीबन आज 2-3 दिन हो गए हैं कि बारिश जो है ना बाकायदगी से स्टार्ट है, और कभी रुक जाती है, कभी होने लग जाती है, कभी धूप निकल आती है। इस बारिश तो मैंने इसलिए नहीं दिखाई कि मैंने बोला बोला सोचा सॉरी सोचा कि आप लोग बोलेंगे कि आप ही जो है ना वो रोज़ हमें बारिश शुरू कर लेती है, कि इनके गाँव में रोज़ ही बारिश होती है। तो अल्लाह का शुक्र है, 3रा दिन है हमारे गाँव में जो है ना बारिश हो रही है। मतलब कि इतनी नहीं, थोड़ी थोड़ी हो रही है। तो मौसम जो है ना वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। हमने तो कंबल वगैरह भी निकाला हुआ है, एयर कूलर के आगे जो है ना कंबल के बगैर लेटा नहीं जाता। तो ये देखे जी, बातों बात में पता ही नहीं चला जी। चावल जो है ना, मैंने आलू भी शामिल कर लिए थे मसाले में, लेकिन बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी, मेरे चावल ख़राब हो गए थे। क्योंकि यहाँ जब मैंने चावल डाले तो साथ ही जी मेरा गैस ख़त्म हो गया, तो फिर उसकी वजह से मुझे ना मुश्किल हो गई। सिलेंडर भरवाने के लिए ले गए थे, तो जो आज जी मैंने निकाले थे जी जूते भी अपने धूप लगवाने के लिए, क्योंकि मेरा एक जूता ख़राब हो गया था। तो मैंने कहा चलो आज निकाल कर ना सारे सबको धूप लगा लेते हैं। तो सोचा चले जैसे धूप लगा रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ, तो आपके साथ भी अपनी छोटी सी कलेक्शन जो है शेयर कर देती हूँ। क्योंकि इसमें से कुछ मैंने निकाले थे जो है ना ख़राब हो गए थे, वो निकाल लिए, और कुछ जो ज़रा ठीक ठीक थे बचे हैं वो मैंने निकाल लिए हैं। तो चले मैं आपको यहाँ पे अपने ना जूतों की एक छोटी सी कलेक्शन दिखाती हूँ। कुछ लोकल ब्रांड के हैं और कुछ स्टाइलों के हैं। तो चले शुरू करते हैं जी। कुछ इनमें ना बहुत पुराने भी हैं, ये नहीं कि सारे नए ही हैं, पुराने भी बहुत है, कोई 5-5 साल वाले भी हैं। तो ये ना कहिए कि आप ही के जूते इतने पुराने पुराने दिखा रही है। तो ये जी मैंने पिछली सर्दी में लिया था, स्टाइलो से लिया था जूता, पंप्स मुझे बड़े ही अच्छे लगे थे। तो ये मैंने एक लिए, तो पहने हुए काफ़ी अच्छे लगते हैं। और ये जो जूता मैंने मेरा ना, ये मेरा जूता बड़ा ही फेवरेट है, लेकिन ये ख़राब हो गया। इसे लिए हुए तकरीबन 3 साल हो गए, इसकी सारी लैदर जो है ना अंदर से उतर गई है। इसी की वजह से मैंने फिर सारे निकाले, इनको धूप लगवाई है, उनको साफ वगैरह किया, जो निकालने वाले थे वो निकाल लिए, जो रखने वाले शूज़ थे वो मैंने इसमें रख लिए। तो मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ, क्योंकि मुझे ये जूता बड़ा ही पसंद है, सो सैड फॉर मी। तो ये जी है खुसा, ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये लोकल है, लोकल मार्केट से लिया हुआ है। तो ये ब्लैक कलर का, गोल्डन और ब्लैक इसमें, और ये ब्लू कलर का, ये मैंने पिछले साल ही थी एक तकरीबन 2 दफ़ा पहना होगा, इससे ज़्यादा नहीं। खुसा भी जो है ना मैंने तकरीबन 2 या 3 दफ़ा पहना है, इससे ज़्यादा नहीं पहना। लेकिन वो जो मेरा फेवरेट जूता है ना मेहरून, वो मैंने 4-5 दफ़ा डाला हुआ है। और ये मुझे जिस दुकान पर बहुत ही अच्छा लगा था, लोकल है लेकिन बड़ा अच्छा लगा था, जैसे घर आके मैंने पहना, मेरा इस पर से दिल ही उतर गया। मुझे अच्छा ही नहीं लगा पहना हुआ, अच्छा ही नहीं लगा पाँव पहना अपने, पता नहीं क्यों। दुकान पे मुझे बड़े ही अच्छा लगा था, ले आई थी, लेकिन फिर मुझे ना पसंद नहीं आया। तो ये जो जूता है, ये मेरा बहुत फेवरेट जूता है, ब्लू कोट शूज़। तो ये मैंने काफ़ी दफ़ा पहने हैं, मुझे बड़े पसंद हैं। तो इन्हें भी साफ सूफ वगैरह करके, धूप वगैरह लगा के रखा है। और ये जी जूता, ये जूता तकरीबन 6 साल पुराना है, इसका तो हशर नशर हो चुका है अब। ये मैंने अपने कज़न की जो है ना शादी पे लिया था, तो ये बड़ा पुराना है, लेकिन अब इसका ना मुंह देखे डिंगा चिबा हो गया तो कोई नहीं, मुझे पसंद है, मैंने रखा हुआ है, ठीक है, बस कभी कभी काम आ जाता है। ये जो अभी न्यू है, ये मैंने जस्ट एक दफ़ा ही पहना है, इससे ज़्यादा नहीं। ये जो है ना मैंने लिया था लोकल मार्केट से लिया था, लेकिन काफ़ी अच्छा सॉफ्ट कंफर्टेबल है, पहना हुआ जो है ना बड़ा मज़े का है, इसमें कोई पाँव नहीं दुखता, चलने में भी बड़ा इजी है, ये बड़ा मज़े का जूता है। और ये जी मैंने मस्टर्ड, आई लव इट, ये स्टाइलो से लिया था, ये मैंने अभी नहीं पहना, ये वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है, अभी देख नज़र आएगा आपको, अंदर प्राइस टैग भी वैसे ही लगा हुआ है। तो ये स्टाइलो से लिया था मैंने,
पिछले साल, लेकिन क्या करें पहनने की बारी नहीं आई। तो ये भी जो है ना हील जो मैंने स्टाइलो पे ली थी अपने भाई की शादी पे, तब तो मैंने ले ली थी, जब मैंने पहनी थी तोबा तोबा, घर आते आते मेरा ना बस हो गई थी, इतने पाँव दुखे थे इसमें, इतने पाँव दुखे थे तोबा। और ये भी जो ना मैंने लोकल मार्केट से ली है, लेकिन ये बड़ी ही कम्फर्टेबल है, बड़ा ही सॉफ्ट सा इसका ना सोल है, नीचे से भी और अंदर से भी, तो बड़ी मज़े की लगती है पहनी हुई और काफ़ी कम्फर्टेबल भी लगती है जी। तो ये थी मेरी छोटी सी चुन्नू मुन्नू सीधा जूतों की कलेक्शन। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोग भी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।